क्या आपको पता है ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? फरवरी 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में करी गई एक स्टडी पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में पब्लिश हुई, और ये स्टडी 24 से 96 साल की उम्र के लगभग 3600 लोगों पर करी गई थी। इन सभी लोगों के मेंटल फंक्शंस और वर्किंग मेमोरी को कुछ मिनी मेंटल एग्जाम्स के जरिए एग्जामिन किया गया। फिर इन सभी लोगों के लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन को भी असेस किया गया, मतलब ये चेक किया गया कि उनमें से हर एक पार्टिसिपेंट अपनी डेली लाइफ में कितने लोगों के साथ और कितनी फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करता है। और इस स्टडी के जो रिजल्ट्स आए उसको वैलिडेट करने के लिए दोबारा से ऐसी ही एक सिमिलर एक्सरसाइज करी गई, लेकिन इस बार ये स्टडी लगभग 76 अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पर करी गई थी जिनकी उम्र 24 साल से कम थी। और फाइनली जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डेली क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने वाले इंसान की मेंटल शार्पनेस और इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस जिस तरह इम्प्रूव होती है, ठीक वैसा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उन लोगों के माइंड पर भी देखा गया जो लोग डेली हेल्दी सोशल इंटरेक्शंस किया करते थे। सिंपल भाषा में समझे तो दूसरे लोगों के साथ डेली कुछ देर फेस टू फेस बात करने से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज और मेंटल फंक्शंस बेहतर हो जाते हैं। बट वेट, क्या आपको नहीं लगता कि इस वर्क फ्रॉम होम के कल्चर की वजह से हमारी हैबिट्स कुछ ज्यादा ही बदल चुकी हैं? और हम सब लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट कर चुके हैं जिनका हमारे माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ हैबिट्स और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे द ब्रेन ड्रेन ऑफ इनएक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन और कोरोना के चैप्टर से पहले सिर्फ ट्रैवल की वजह से ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा थी? जो लोग आज भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो बात एकदम सच है, उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो चुकी है। पर क्या इस चीज का इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही है कि घर बैठे रहने से आपका पेट निकल जाएगा और आप मोटे हो जाओगे? नहीं, इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग फिजिकल इनएक्टिविटी का सीधा संबंध आपकी मेंटल डिक्लाइन से जुड़ा है, जिसका सीधा असर आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव एबिलिटीज पे पड़ता है। पर इससे होता क्या है? अगेन, अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से आपके ब्रेन को सही से काम करने के लिए बॉडी में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है एंड आपके ब्रेन फंक्शंस और मेमोरी कमजोर होने लगते हैं। इसलिए 20 मिनट ही सही पर डेली एक्सरसाइज जरूर करो। दूसरी बुरी हैबिट है ईयरफोन्स विद हाई वॉल्यूम। पहले ज्यादातर सिर्फ गाने सुनने के लिए लोग ईयरफोन्स का यूज किया करते थे, फिर धीरे धीरे हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए ईयरफोन्स का यूज होने लगा, बट आज तो क्योंकि क्लासेस और काम दोनों ही डिजिटली होने लगे हैं तो इस वजह से ऑलमोस्ट हर कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए हमें ईयरफोन्स यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग महंगे से महंगे नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स और हेडफोन्स खरीदते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस हैबिट का असर आपके दिमाग पर किस तरह पड़ता है? जब भी आप म्यूजिक एंजॉय करने के लिए या किसी की बात को ध्यान से सुनने के लिए ईयरफोन्स की वॉल्यूम को फुल पर ले जाते हो तो आपके कानों पर एक ऐसा अननेचुरल प्रेशर पड़ता है जिस प्रेशर को झेलने के लिए आपके कान बने ही नहीं है। और लंबे समय तक इस तरह की लाउड नॉइज सुनने की वजह से हियरिंग डिसऑर्डर्स और फिर आगे जाकर अल्जाइमर्स और ब्रेन डिमेंशिया जैसे डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बुरी हैबिट और उसके इम्पैक्ट के बारे में, विच इज मोर स्क्रीन टाइम कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट अवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये बात तो हम समझ ही चुके हैं कि पहले के मुकाबले अब फेस टू फेस इंटरेक्शंस और लोगों से पर्सनली मिलना एंड बात करना बहुत कम हो चुका है। और दूर के दोस्त तो छोड़ो, कई बार लोग एक घर में होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे बात करते हैं। हम लोग अब फोन और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। सुबह उठते ही और सोने से ठीक पहले भी हमारे फोन की स्क्रीन हमारी आंखों के सामने ही रहती है। पर क्या इसका असर सिर्फ इतना ही है कि इससे हमारी आंखें कमजोर हो सकती हैं? नहीं, अगेन इस हैबिट का असर भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी इमोशनल वेलबींग पर। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के टॉपिक पर करी गई स्टडीज के अकॉर्डिंग स्क्रीन्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से हमारे ब्रेन्स का सर्किट ऑलमोस्ट रीवायर होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इस बात को प्रूव करने के लिए ऑलरेडी कई स्टडीज करी जा चुकी हैं, जैसे कि ये आर्टिकल, ये और एक ये आर्टिकल। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे तो इन तीन मॉडर्न बुरी हैबिट्स को प्लीज अवॉइड करो।